सो है गाइस, तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक सिनेमैटिक लुकिंग इपिक स्पेस सीन इन टोटली विद आफ्टर इफेक्ट्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ लुक ऑफ द क्लिप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा फॉर ब्रीफ दे देता हूँ कि मैंने इस सीन में क्या क्या किया है, बिकॉज बहुत ही सिंपल है इस ट्यूटोरियल को बनाना, मतलब इस सीन को बनाना ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि सिनेमैटिक कंपोजिशन को कैसे बनाते हैं, ओके, बाय विद द हेल्प ऑफ रेशियो एंड द डिटेलिंग लाइक ग्लो, हेज एंड द मिनिमम डिटेल्स जो जिस पर हम अभी बात करेंगे। सो दिस इज़ माय मेन कॉम्प ऑफ दिस ऑफ आवर सिनेमैटिक सीन। तो लेट्स स्टार्ट आवर ट्यूटोरियल। सो इस सीन को बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको लगने वाली है वो है वीसी और प्लगइन, ठीक है, वीडियो कोपायलट का वीसी और प्लगइन। आपको पता ही होगा अगर आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि वीसी और क्या है। सो वीसी और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सो गो टू द वीसी ऑर्ब प्लगइन फ्री डाउनलोड, एंड ये प्लगइन फ्री है सो तुम इसे यूज़ कर सकते हो नॉर्मली जाके। सो गो टू द वीसी ऑर्ब, वीडियो को पायलट की प्लगइन है, एंड चलना यहाँ से सिंपली जाके डाउनलोड कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, एंड इंस्टॉल कर लेना, ओके। सो बढ़ते हैं हमारे ट्यूटोरियल की ओर। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो था वीसी ऑर्ब से प्लैनेट क्रिएट करना। सो प्लैनेट क्रिएट करने के लिए मैंने वीसी ऑर्ब को ही यूज़ किया है। सो अगर मैं इसे सोलो करूँ, ओके, सो उसके बाद ये जस्ट एक स्टार की लेयर है, ठीक है, आप ये देख रहे होगे, तो ये जस्ट सिर्फ एक स्टार्स की लेयर है। सो इसे इग्नोर करना है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, स्टार्स की लेयर ऐड करना। सो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहले जो मैंने चीज़ की वो है वीसी ऑर्ब को इंस्टॉल एंड उसे यूज़ करके एक स्पीयर को क्रिएट किया, टू क्रिएट आवर प्लैनेट, ठीक है। सो दिस इज़ अ वीसी ऑर्ब। सो अगर मैं आपको बताऊँ कि करना कैसे है, सो गो टू दी क्रिएट योर कॉम्प, गो टू दी लेयर न्यू एंड क्रिएट अ सॉलिड, नेम इट गैस प्लैनेट and add the plugin called VC Orb. So here is your orb. ठीक है, तो ये एक 3D plugin है। So यहाँ मैं एक कैमरा क्रिएट कर ले रहा हूँ, क्रिएट अ कैमरा एंड यूज़ द कैमरा टू मूव योर orb, ठीक है, कैमरा को यूज़ करके orb को यूज़ करो, मतलब orb को मूव एंड पैनिंग करने के लिए यूज़ करो। सो आप इस सीन में एक लाइट भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइट ऐड की है, पैरेलल लाइट। सो गो टू द न्यू एंड लाइट, सो क्रिएट अ पैरेलल लाइट एंड इंटेंसिटी विद 100 आप कुछ भी रख सकते हो, सो 100 ब्रेटर है। सो सी दिस इज़ अ पैरेलल लाइट जस्ट गिविंग अस अ सिनेमैटिक लाइटिंग, ठीक है, कितनी प्यारी लग रही है यार लाइटिंग, ओके। तो मैं कुछ इस तरह लाइटिंग दे देता हूँ, ठीक है, एंड इस तरह से मैंने इसकी लाइटिंग, मतलब पहले तो मैंने मेरा प्लैनेट यूज़ किया, मतलब क्रिएट किया वीसी ऑर्ब से, एंड देन आई क्रिएट अ कैमरा देन आई क्रिएटेड अ पैरेलल लाइट टू गिव इट अ सिनेमैटिक लुक, ओके, ठीक है, ओके। सो अब बढ़ते हैं आगे। सो आफ्टर क्रिएटेड अ प्लैनेट, जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारा टेक्सचर। सो हमारे प्लैनेट को टेक्सचर देना है, तो मैं टेक्सचर यूज़ कर रहा हूँ ये दो वाले टेक्सचर। सो इन दो टेक्सचर्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड इन जो भी टेक्सचर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड आपको ऑलरेडी वीडियो कोपायलट के साइट पर भी टेक्सचर्स मिल जाएंगे। गो टू द वीसी ऑर्ब एंड हियर ऑल्सो यू कैन डाउनलोड टेक्सचर्स, कहाँ पर हैं, या
सी दिस इज़ द डाउनलोड अर्थ टेक्चर। सो यहाँ पे से आप अर्थ के टेक्चर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको गैस जायंट के गैस प्लैनेट्स के टेक्चर चाहिए होगे तो आप सिंपली गूगल से ले सकते हो, लाइक गैस प्लैनेट टेक्चर्स। एंड यहाँ से आप कोई भी टेक्चर्स ले सकते हो जिस भी तरह का आप लुक क्रिएट करना चाहते हो। लाइक मैंने कुछ इस तरह का लुक क्रिएट किया है। सो मैंने यहीं से मेरे टेक्चर्स को डाउनलोड किया था। तो या तो मैं आपको लिंक दे दूँ एंड या तो आप गूगल से सिंपली जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो ये है मेरे टेक्चर्स। सो इस मेन हमारे मेन जो बिग प्लैनेट है उसके लिए मैं ये टेक्चर्स यूज़ करूँगा। सो टेक्चर्स को कॉम्प में डालने के बाद आपको अनहाइट कर देना, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे एज अ टेक्चर में आप यूज़ करने वाले हैं। सो गो टू दी VC और गो टू दी मैप्स एंड हियर यू कैन सी डिफ्यूज लेयर एंड बम्प लेयर। तो गैस प्लैनेट के लिए मैं डिफ्यूज लेयर एंड बम्प लेयर को यूज़ करने वाला हूँ। डिफ्यूज लेयर मीन्स यूर मेन लेयर, मेन टेक्चरिंग लेयर, वेयर यू कैन गिव अ टेक्चर एज अ मेन मेन कलर और मेन अल्बिडो आई कैन से। सो आई एम यूजिंग अ गैस टू। ओके सो दिस इज़ अवर जायंट गैस प्लैनेट। सो जायंट बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसे बड़ा भी कर सकता हूँ, बट मैं आपको एक समझाने के लिए डिटेल्स में कुछ इस तरह का लुक ही क्रिएट करता हूँ, मतलब इस तरह के रहने देता हूँ। सो वी क्रिएटेड अवर प्लैनेट विद द हेल्प ऑफ VC और प्लगइन। देन वी क्रिएटेड अ कैमरा, देन वी क्रिएटेड अ पैरेलल लाइट टू गिव इट अ सिनेमैटिक लाइट। सो इस तरह से मैं अभी का कुछ रख रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है इसलिए। सो आप किसी भी तरह का सीन क्रिएट कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि लेआउट कैसा होगा एंड उस सीन को आप बनाना किस तरह चाहते हो, ठीक है। सो मैंने मेरे गैस प्लान को टोटल फ्रेम में फिक्स किया है, मतलब एकदम एक जायंट तरीके से बताया है, बट विद द डेप्थ ऑफ दैट मून। ओके सो उनके बारे में उन पर भी हम थोड़ी देर में आते हैं, बट अभी समझते हैं कि अवर मेन गैस जायंट। सो गो टू द गैस प्लैनेट लेयर एंड यहाँ से मैं स्पेकुलर को टोटली ज़ीरो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये शाइनी लाइट नहीं चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। सो स्पेकुलर ज़ीरो। द नेक्स्ट थिंग आपको जो करनी है वो है बम्प लेयर। सो डिफ्यूज लेयर एंड बम्प लेयर ही मैंने यूज़ किया है टू मेक अ प्लैनेट। सो यूज़ अ बम्प लेयर एंड यूज़ द गैसियस टू आवर मेन जो टेक्चर हमने पहले यूज़ किया था। सो दिस इज़ अ बम्प लेयर। सो इसकी इंटेंसिटी बहुत है, सो मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। ओके सो दिस इज़ अवर डिफ्यूज लेयर एंड यह है हमारा बम्प लेयर, बिकॉज हमको थोड़ा सा बम्पीनेस चाहिए था। और अभी के लिए मैं इसका शार्पन कम ही कर देता हूँ। ओके दिस इज़ अवर VC और प्लैनेट। एंड जो डिटेल मैं आपको बताना चाहता था वो है ग्लो, ठीक है। एक फिल्म ग्लो कह सकते हो या सिनेमैटिक ग्लो कह सकते हो। तो लेट्स सी कि एक सिनेमैटिक ग्लो कैसा क्रिएट करना है, क्योंकि ग्लो ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंपोजिशन को सिनेमैटिक बनाएगा। तो ग्लो क्रिएट करने के लिए एक प्लैनेट को, क्योंकि स्पेस में ऑलरेडी ग्लो होता है, क्योंकि कोई चीज़ नहीं होती लाइट को एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट प्लैनेट। सो प्लैनेट ही है जो लाइट को एक्सेप्ट करता है एंड एक शाइनी एज ग्लो देता है टू मेक इट रियलिस्टिक, अगर मैं सही हूँ तो। सो ग्लो के लिए मैंने मेरे गैस प्लैनेट को ही डुप्लीकेट किया है एंड मैं यहाँ से शार्पन डिलीट कर दूंगा एंड मैं यहाँ से VC ऑर्ब को रिसेट कर दूंगा, ठीक है। बट ध्यान रहे कि ये वाला VC ऑर्ब उस वाले VC ऑर्ब के तरह ही साइज़, मतलब उतने ही साइज़ में हो, ठीक है। थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो, सेम साइज़ होना चाहिए। जो हमारा एज ग्लो है उसका डिफ्यूज़ को टोटली ज़ीरो कर दूंगा एंड स्पेकुलर ऑलवेज ज़ीरो। एंड द मेन थिंग टू क्रिएट द एज ग्लो इज टू इंक्रीज द इल्यूमिनेशन। ओके लाइक यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन बढ़ाना है एंड इसके एज कलर को देना है जिस भी तरह का आपका थीम है। ओके सो मैंने थोड़ा ऑरेंजी लुक लिया है, तो मैं यहाँ थोड़ा ऑरेंजी शेड लेता हूँ एंड यहाँ से आपको इल्यूमिनेशन ऑप्शन में आके इल्यूमिनेशन को करना, फ्रेनल को करना है हाई, फ्रेनल बायस को लाइक मैं 7 to 8, ठीक है। ओके एंड यहाँ से शेडो जो लाइट है, शेडो लाइट को आपको करना है 1 और यहाँ से मैं फ्रेनल बायस को थोड़ा सा कम भी कर सकता हूँ और फ्रेनल को 1 पे ही रहने दो
यहाँ से शेडो लाइट कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम, ठीक है। सो दिस इज़ अवर एज ग्लो, बट अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड इस एज ग्लो के ब्लेंडिंग मोड को आपको रख देना है स्क्रीन, ओके। स्क्रीन भी रख सकते हो, ऐड भी रख सकते हो, डजेंट मैटर। एंड अब मैं जो प्लगइन यूज़ करने वाला हूँ वो है डीप ग्लो। डीप ग्लो एक पेड प्लगइन है, आई थिंक, मुझे याद नहीं मैंने कब लिया था। सो आप कोई भी प्लगइन गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, यू नो व्हाट आई मीन। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बता सकता। आई एम यूजिंग अ डीप ग्लो, ओके। सो सी दी इफेक्ट, ओके। सो दिस इज अवर सिनेमैटिक ग्लो ऑन अवर प्लैनेट। सो यहाँ से आप सेटिंग के साथ खेल सकते हो सिनेमैटिक लुक को क्रिएट करने के लिए, या टोटल डिटेलिंग को और एक्स्ट्रा टच देने के लिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं खेलूँगा क्योंकि मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सो दिस इज़ अवर प्लैनेट, ओके। तो आप इसे एनिमेट भी कर सकते हो लाइक दिस, ओके। देखिए हाँ, मैं कैमरे को पोजिशन दे देता हूँ, एनिमेशन की दे देता हूँ, एंड यहाँ आखिरी में जाके थोड़ा ऐसा कर देता हूँ। सो आवर एनिमेशन इज क्रिएटेड, जहाँ आप किसी भी सीन को क्रिएट कर सकते हो, स्पेस सीन को। एंड बस आपको इसी टेक्निक को यूज़ करके मून्स को क्रिएट करना है, लाइक इन मून्स को जैसा मैंने बनाया, जिस भी तरीके से मैंने बनाया। सो मैंने आपको सिर्फ ये टेक्निक बताई है कि मतलब ये बताया है कि प्लैनेट को कैसे क्रिएट करें, मतलब मैंने कैसे क्रिएट किया एंड मैंने उस सीन को कैसे बनाया। सो इस तरह से आप भी बना सकते हो आपके इस सीन को, स्पेस सीन को, जिस भी तरह से आप बनाना चाहते हो। एंड अब गैस प्लैनेट में जाके, यहाँ पे यूवी में जाके इसकी टेक्सचर्स को बढ़ा भी सकते हो, लाइक छोटा बड़ा भी कर सकते हो, लाइक 5x5 सी, ठीक है। सो कुछ इस तरह मैंने मेरे इस सीन को क्रिएट किया है। एंड उसी वीसी ऑर्ब को यूज़ करके मैंने मेरे मून को बनाया, ओके। लाइक उसी मून को एंड उसी वैसे ही उस एज प्लैनेट एज को, मून 1 मून 2। एंड यहाँ पे जो एक शिप है जो आप देख सकते हो, वो सिर्फ मैंने एलिमेंट 3D से ऐड करी है, जो कि आप सिंपली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सी। एंड इसी गैस प्लैनेट को आप कॉपी करके, लाइक कॉपी दिस गैस प्लैनेट आवर मेन लेयर एंड कॉल इट मून, और इसका जो रेडियस है वो थोड़ा सा कम कर दो, लाइक ये मून की तरह लगनी चाहिए। एंड इसको थोड़ी अलग पोजीशन दे दो। एंड आप इसका टेक्सचर भी बदल सकते हो कुछ इस तरह। एंड यहाँ पे आप टिंट को यूज़ कर सकते हो टू गिव इट अ शेड एज यू वांट। या मून की तरह भी दे सकते हो, लाइक टोटली वाइट। सो मैं यहाँ थोड़ा उसे ऑरेंज ही दे रहा हूँ। एंड एज ग्लो तो कैसे क्रिएट करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, लाइक डुप्लीकेट दिस, रीसेट दी वीसी और प्लगइन, डिफ्यूज कलर को 0 करो, स्पेकुलर को 0 करो, इल्यूमिनेशन को बढ़ाओ। ओके, मैंने उसे टोटली रिसेट मार दिया, लाइक डुप्लीकेट द मून। एंड डिफ्यूज लेयर को हटाओ, बम को हटाओ, एंड डिफ्यूज़ की वैल्यू को 0 करो, स्पेकुलर को 0, एंड इल्यूमिनेशन को थोड़ा बढ़ाओ। यहाँ से फ्रेनेल को हाई करो, फ्रेनेल बायस को हाई करो, शेडो लाइट को हाई करो, एंड यहाँ से एडजस्ट करो कि किस तरह से तुम्हें तुम्हारे एज को दिखाना है। सो सेट करो ब्लेंडिंग मोड, और सॉफ्ट लाइट भी कर सकते हो, ठीक है, सॉफ्ट लाइट कर सकते हो, स्क्रीन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, एज यू वांट। सो मेरे को ये थोड़ा सिनेमैटिक ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसे ऐसे रहने देता हूँ। एंड सिंपली यूज़ डीप ग्लो, ओके। सो इसकी थोड़ी सी थोड़ा सा एक्सपेंशन कम कर दो, लाइक दिस, ओके। एंड आप एक एनवायरनमेंट हेज भी डाल सकते हो, लाइक दिस, ओके। सो ये ब्लू हेज है, आपको उसी अर्थ टेक्सचर के साथ मिल जाएगा जब आप डाउनलोड करोगे। सो यूज़ द ब्लू हेज,
like this, make it blending mode add, make it bigger, and use VC color vibrance, or you can use tint always and give it a color like your scene. Okay, तो मैं इसकी थोड़ी लाइटिंग मैच कर देता हूँ. ओके सी, थोड़ा फास्ट ब्लॉक्स ब्लर, इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम, या आप सॉफ्ट लाइट भी डाल सकते हो. सॉफ्ट लाइट तो नहीं, स्क्रीन ओपेसिटी थोड़ी कम. हाँ, यूज़ करो कर्व, लाइक एस कर्व. So this is the simple scene we have created in After Effects with the help of only After Effects. So yeah, this is it for this tutorial, guys. Hope this will help you to make your cinematic space scene or any kind of scene you want to create in After Effects, in totally After Effects. So no 3D softwares, no other softwares, just pure After Effects. You can create anything in After Effects. तो मैं कुछ मेरा मैं थोड़ा फार मेरा पोर्टफोलियो बता देता हूँ. पोर्टफोलियो मीन्स कि जो काम मैं क्लाइंट्स के लिए या मेरे खुद के लिए करता हूँ. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज़ द कंपोजिशन, दिस इज़ द सीन्स क्रिएटेड विथ आफ्टर इफेक्ट्स. सो ये सारे सीन्स को मैंने सिर्फ आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ कंपोजिटिंग एंड कंपोजिशन. सो इसलिए मैं कहता हूँ कि कंपोजिटिंग को सीखो प्रॉपर तरीके से, कंपोजिशन को सीखो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मे बी आप ब्लेंडर सीख लो, मे बी आप 3D एसेट्स डाल लो, फिर मे बी आप सिमुलेशन को सीख लो, बट उन्हें मर्ज कैसे करना है, वो सिनेमैटिक कंपोजिशन को क्रिएट कैसे करना है प्रॉपर सिनेमैटिक वे में एडवांस टेक्निक के साथ, को कंपोजिटिंग ही सीखना पड़ेगा, जो कि है न्यूक एंड आफ्टर इफेक्ट. सो न्यूक एक प्रोफेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर है, प्रोफेशनल मीन्स इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर है, बट यू कैन यूज़ आफ्टर इफेक्ट टू मेक इट इंडस्ट्री लेवल सिनेमैटिक कंपोजिशंस, जैसे मैं यूज़ करता हूँ. सो या, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. यू कैन यूज़ दिस टेक्निक्स टू क्रिएट दिस ट्यूटोरियल्स, दिस सिनेमैटिक सीन्स ऑफ स्पेस लाइक मी. सो या, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन विद द न्यू ट्यूटोरियल.